हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डुगुमा ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। जय माता जी। तो यहाँ पर देखिए, जो आम लेकर आए थे हम लोग, तो खुशियाँ किंजल ने क्या किया था, फ्रिज में रख दिया था और एकदम वो अंदर से बर्फ़ हो चुका है। तो अभी जब वो बर्फ़ हो गया तो उसे कट कर रही है। एकदम मतलब आइसक्रीम की तरह से वो लग रहा था, पर मीठा इतना नहीं था आम। ये बहुत मतलब खट्टा भी नहीं था, मीठा बहुत कम था उसमें। वॉइस ओवर कर रही हूँ, बंद करो दरवाज़ा, जाओ तुम। हाँ नहीं, कुछ मत लो, जाओ। तो यहाँ पर जाओ बेटा। तो ये देखिए, अभी ये पूरा उसने आम कट कर लिया है और अभी उसे खा के वो देखी। पर वो कैसे एकदम बर्फ़ हो गया था ना, तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने भी खा के देखा था पर इतना कुछ खास नहीं था। और आज मैंने किंजल और चिराग को ट्यूशन लगवा दिया, तो बच्चे आज ट्यूशन भी जाने वाले हैं। तो आज बच्चे इतने खुश हैं ना कि 2 साल के बाद में उन्होंने, क्योंकि 2 साल से स्कूल भी बंद था, ट्यूशन भी बंद था, सब कुछ मैंने बंद, मतलब ट्यूशन भी नहीं भेज रही थी मैं। तो अभी ट्यूशन भी वो लोग आज जाएंगे। तो ये देखिए कट हो चुका है। तो ये सब करके फिर इन लोगों को मैं नाश्ता वगैरह बना के दूंगी। फिर ये इनका 12 बजे से क्लास है, तो 12 बजे जाएंगे। वो देखो खाने में बिजी है किंजल हमारी। तो आज किंजल ने ही अच्छे, मतलब जो भी ब्लॉगिंग था उसने आज का बर्ड वगैरह सब लगाया था, तो किंजल ने आज पूरी वीडियो बनाई है। तो मैंने खाली थोड़ा सा जो आगे बच्चों को नाश्ता वगैरह, वो भी किंजल ने, खुशी ने बनाई थी। सब कुछ मतलब आज बच्चों ने किया था। तो आज देखते हैं अभी आगे क्या है। मैं वीडियो नहीं बना रही, क्यों नहीं बना रही, क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना है, तो मैं उसकी तैयारी में लगी हूँ। और अभी बज रहे हैं 9, तो 9 बजे अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ना, कल साक्षी ने इडली बनाई थी, तो हम लोग इडली डोसा वगैरह सब साक्षी बनाई थी। तो मुझे उसने रात को खाना, समझो उसी ने वहाँ से आया था। तो पर मैं कोई वीडियो ही नहीं बना पा रही हूँ। और यहाँ पर ना तो इडली बच गई थी ना, तो उसे खुशी ने तड़का देके इडली फ्राई जो होता है ना वो बना दिया। इसमें तेल डाला, जीरा, राई, कड़े पत्ता और टमाटर, कांदा, और ये नमक ऐड कर दिया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और यहाँ पर ये 5 इडली बची है, तो इसे इस तरह से कट करेगी छोटे छोटे क्यूब में और उसमें फ्राई कर देगी। तो बच्चों का एक तरफ से ये नाश्ता भी हो जाएगा। और बट बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैंने भी खा के टेस्ट किया था, बहुत अच्छा था। तो ये देखिए इस तरह से बना दिया था उसने। और भी ये सब खा के बच्चों नाश्ता वगैरह करके फिर जाएंगे ट्यूशन। फिर ट्यूशन से आने के बाद में किंजल अपने टब कबाड़ वगैरह लगाने वाली है, तो वो भी आप लोग के साथ में वो शेयर करेगी, और आप लोग बताना ज़रूर। तो बस अभी मैं यहाँ पर अपना वॉइस ओवर बंद करूँगी। आगे आप लोग एंजॉय कीजिए। अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो कर अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो फिर ये होगा कि आपको हमारी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेगी, और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप लोग को फटक से मिल जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाय फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं ट्यूशन से। ट्यूशन में आज होमवर्क भी मिला है, होमवर्क कम है तभी भी करते हैं, शाम तक होगा। बहुत अच्छा लगा हम ट्यूशन से आए। कैसे लगा चिया आपको ट्यूशन में? अच्छा लगा। तो आपका कल जाने का भी जाय है? हाँ, सो सेम मेरा भी। और होमवर्क भी ज्यादा नहीं मिला है मुझे भी। एंड मैंने आज मैथ्स किया, चिराग ने क्या किया? इंग्लिश। सो अभी हम मतलब अभी बज रहे हैं 2:15, 2:15 हो रहा है, और हम लोग अभी आ गए और हमने खाना भी खा लिया, और मम्मी, डुकू, दीदी सब सो गए हैं। तो यहाँ पे चिराग बॉल खेल रहा था, कहाँ क्या बॉल, वो बॉल खेल रहा था, और मैं यहाँ पे ये रहा मेरा सीजन बॉल। तो ये देखिए चिराग का न्यू सीजन बॉल, बहुत कड़क है, हैवी भी बहुत है ना? हाँ, और हैवी रहता है, पर हम इसे नीचे ले ही नहीं जा सकते खेलने के लिए। ये सिर्फ इससे कैच कैच खेलेगा, ऐसे उछाल उछाल के, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं खेल सकते। क्यों? बैट जाएगा, सीजन बैट चलेगा इसके लिए, अभी तो सिर्फ बॉल ही है। एनीवे गाइस, तो मैं अभी आपको ना हमारा कपबोर्ड दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि अभी आज नहीं, हमने कल समेटा था। सो ओके, सो अभी चिराग का लास्ट में दिखाएंगे, फर्स्ट दीदी का एंड देन मेरा एंड देन चिराग का। सो फर्स्ट दीदी से स्टार्ट करते हैं। ये
है दीदी का कपूर, आपको ये देखिए बैक कैमरा करके दिखा, थोड़ा गंदा कर दिया है। सो ओके, ये दीदी का कबाड़ है, कपड़े हैं एंड ये भी स्कूल के कपड़े, और ये सब जो बुक्स रखे हुए हैं यहाँ पे भी बुक्स, यहाँ पे वाटर बॉटल रखा है एंड यहाँ पे जो हमारे नए कपड़े, हैवी कपड़े जो होते हैं जो हम कभी कभी पहनते हैं फंक्शन वो सब में, तो उसको हमने ऐसे बैग में करके रखा है। और इसमें दीदी का मेकअप का सामान है, ये बैग पर्सेस के अंदर सब उसने रखे, देखिए उसने ज्यादा नहीं भरा है, अच्छे से हो गया। और ये दीदी का जो बैग है वो, एंड इसमें उसके जो पेपर्स थे 9th के ड्राइंग पेपर्स और जो सब रहते थे हमारे वो इसमें। तो ये था दीदी का कबूर एंड नाउ माय कबूर, तो मैं भी कहाँ जा रही हूँ। तो ये है मेरा कबूर, यहाँ पे मेरे सारे कपड़े जो होते हैं वो यहाँ पे, रेगुलर वाले कपड़े एंड मेरे स्कूल के कपड़े तो बेड के अंदर रखा है, मम्मी के बेड के अंदर, सो मैंने नहीं रखा। और यहाँ पे मेरी बुक्स, अभी इसे मुझे अच्छे से रखना है क्योंकि ये बहुत अजीब तरह से मैंने रखा है, इसको मैं अच्छी तरह से रखना है अभी। एंड ये इसमें क्राफ्ट्स के सामान जो होते हैं मेरे वो है, और क्राफ्ट्स के वो जो सामान सब मैंने इसमें डाल के रखा है। अभी इसको भी मुझे क्लीन करना है। एंड यहाँ पे पर्स है, यहाँ पे हम ये सब, और सेम जैसा आप मान जो मैं जो हम डेली नहीं पहनते, मतलब फंक्शन में जो पहनते हैं हम, वो वाले कपड़े इसके अंदर हैं, फ्रॉक लहंगा ये सब जो होता है वो सब हमने इसमें रखा है बस। और मेकअप के सामान ना मैंने और दीदी ने हाफ हाफ डिवाइड कर लिया, मतलब सब चीज़ दो दो थी ना, तो उसको एक उस दीदी ने लिया, एक मैंने लिया, ऐसे किया। और इसमें मेरे मेकअप के मीन्स इसमें है, दिखा देती हूँ आपको, ये भी पूरा मैस हो गया, इसे भी हमें क्लीन करना है, अभी कर देती हूँ। सो ये सब सामान जो होते हैं मैंने वो लिए। सो यहाँ पे क्रीम, ब्रश, आईलाइनर, नेल पॉलिश, ये सब छोटे सब लिपस्टिक्स, मस्कारा, आईलाइनर, गॉगल, ये सब सामान अभी क्लीन कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ अच्छी तरह से। ये देखिए सब वैसे जो भी है, सो क्लीन करने के बाद आपको दिखाती हूँ ये सब की। सो ओके, ये मैंने क्लीन कर लिया और सेट भी कर लिया। सो अभी मैं आप बात करती हूँ, ये देखिए ये जो बॉक्स है ना, इसके अंदर फाउंडेशन और जो मेकअप फिक्सर रहता है वो, कॉन्टर वो सब जो है वो इसके अंदर रखा है। और इस वो बॉक्स के अंदर मैंने हाइलाइटर और आई शेडो पैलेट है, एंड इसके अंदर ये है बीबी क्रीम एंड वाइट टोन क्रीम, ये दोनों बस, ये दो ही क्रीम है, और एक पैसलीन है वो इसके अंदर है। और ये यहाँ पे नेल पॉलिश है, और ये ऑयल जो होते हैं, दो नेल पॉलिश है मेरे पास, पिंक एंड गोल्डन, एंड ये आई लाइनर, ये नेल पॉलिश रेड कलर का, और ये एलमंड ऑयल, और एक कौन सा तो ऑयल है, ये वाला फेस सीरम जो होता है, ग्लोइंग स्किन वाला, और ये ब्रशेस। सो एंड ये हेयर एसेसरीज, ये देखिए ये एक क्लिप रबर बैंड एंड हेयर बैंड, ये जो होता है, एंड गॉगल, लिपस्टिक, मस्कारा, फाउंडेशन, बस इतना इसमें है। एंड इसके अंदर मैंने कुछ ज़्यादा नहीं रखे। ओके, फेस सीरम इसमें है क्या, ये देखिए ये मैं, मुझे लगा उसमें बट इसमें ये तो। सो ये ग्लो टोनर जो होता है मेकअप फिक्सर, एंड ये कार्ड, एंड ये दो कार्ड है, एंड फाउंडेशन। सो इसके अंदर क्या है फिर, देखिए चेक करते हैं, एक्चुअली मैंने ही रखा है पर मैं भूल गई, देखिए इसे निकालते हैं और देखते हैं। सो ओके, लेट्स सी, ऐसे लग रहा है ये खाली है,
कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था इसके अंदर। सो ये चिराग की दिमाग की तरह खाली निकला, सुबह से इसके अंदर दूसरे जो सामान थे। और ये देखिए, ये सब जो है ना, ये सब मेरे क्राफ्ट के बॉक्स में से सब जो क्राफ्ट के कचड़े होते हैं ना, वो है। सो वो मैंने अभी जस्ट निकाले। एंड ये डब्बा तो खाली निकला चिराग के दिमाग की तरह। ओके, कोई बात नहीं। सो अभी इसे सेट कर देती हूँ। ये ड्रॉ को भर देंगे। हाँ, सो ये था मेरा एंड दीदी का छोटा सा कबूर। और यहाँ पे ये देखिए, मेरे कबूर में लक्ष्मी माँ भी है, गणपति बप्पा भी है। एंड ये देखिए, और ये मेरे कबूर में है। एंड आप अभी आप कमेंट में बताना मेरा कबूर अच्छा है या दीदी का, किसने अच्छे से सेटअप किया है, वो मुझे आप कमेंट में बताना। अभी ये दोनों में आप किसको ग्रेड दोगे वो मुझे कमेंट में बताना, मुझे सॉरी दीदी को या तो मुझे, और कितने में से कितना दोगे वो भी बता देना। सो हमने दोनों ने सेम सेम रखा है। देखिए यहाँ पे वो जो नए कपड़े होते हैं वो वहाँ पे, दीदी ने पर्स नहीं रखा है, उसमें रखा है लॉकर में। यहाँ पे भी बुक्स रखे हैं, और हम दोनों ने बुक्स रखे हैं, और उसने अपना कलर्स रखा है, तो मैंने क्राफ्ट रखे हैं। एंड सो ये देखिए, कैच कैच खेलते खेलते बालकनी से इसने गिरा दिया। लड़का सुनता नहीं है, डायरेक्ट इधर से धप करके आवाज आ रहा था, जो वो गया फटाफट भाग कर लेकर आया। सो ओके, हम चलते हैं अपने हमारे उसमें। सो अभी आते हैं चिराग के कबूर में। सो चिराग तो गया है अभी नीचे। सो हम इसका कबूर चेक करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा था वो वही हुआ। सो चिराग का कपड़ा आपके सामने है, फिर भी उसने इस बार ठीक ही रखा है मुझे लगता है, बिकॉज ना पहले ना बहुत गंदा फैलाता था, बहुत बहुत बहुत। सो ओके, तो इसने अच्छा इस बार अच्छा किया। और इधर इसके ब्लेजर है चिराग का, एंड इसमें रैकेट है। उसने कहा कि रैकेट मेरे पास ही रहेगा। सो उसने उसमें रखा, और इसमें उसने क्या भर के रखा है उसको ही मालूम। एंड ये लॉकर उसका, उसको में भी लॉकर है खुल। ओके, सो इसमें इसने बुक्स रखे। अभी इसकी इतनी बुक्स नहीं है, अब मत सोचो कि इतनी बुक्स है, एक्चुअली उसके और भी बुक्स है। तो आज ट्यूशन था, सो इसलिए उसने ट्यूशन के लिए जो डाले थे वो बैग में ही। उसने एक्चुअली टीचर ने बोला था कि सब बुक्स लाना, तो इसने सब बुक्स लेकर गया था। सो वो और इसके अंदर है डम 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 क्या क्या भरा है इसने चिराग में, मास्क, कैप, सॉक्स एंड रबर बैंड, मतलब मन जब जो होता है वो, और ये कुंभ एंड मास्क तो बहुत ज़्यादा ही भरा हुआ है। सो ओके, तो इतना ही था चिराग। बॉयज़ लोग का कुछ ज़्यादा सामान रहता और रहता भी तो गायब रहता है, सो इसलिए चिराग का तो इतना ही था। तो अभी आप सब कमेंट में बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा, किसका कवर अच्छा। सॉरी, चिराग आ गया। एंड ओके, सो बाय, अभी हम जा रहे हैं सोने। तो बट चिराग मत खेल घर में उसको। सो अभी इसका मुझे मिरर भी क्लीन करना है, कचरा और सॉरी थोड़ा बदला। हां, सो अभी पाउडर डालना नहीं करना, बाय। उसको गुड कैन के साथ याद नहीं आया मेरे को, सो अभी जस्ट गया हूँ। एंड हाँ, स्ट्राइक लेकर जाता खेलूँ ना, कोई बात नहीं, हम अभी बैठे रहते हैं। स्ट्राइक ही लेकर जाता लेकिन ऐसी बात मैं खेलूँ ना। मैं जीतूंगी, आप लोग अभी आप कमेंट बताइए, एट लास्ट हम आपको बताएंगे। ओके बाय बाय बाय, तो कर